हेलो दोस्तों, आप लोग का ESD टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को सब्ट्रैक्शन, वह भी हम लोग का जो फ्रैक्शन में आता है दोस्तों, वह बताता हूँ आपको। तो सिंपल सा दोस्तों, अभी हम लोग को दो टाइप से हम लोग को फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन पूछ सकता है। एक तो हम लोग को जैसे मान लो दोस्तों 3/2 - 1/2, ऐसा एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया दोस्तों। अगर ऐसे हम लोग को सब्ट्रैक्शन पूछ दिया तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम हम लोग का दोस्तों होता है, हम लोग को देखना है ये जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। तो हम लोग का ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ये हम लोग का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। कैसे? देखो, बेस सेम है मीन्स 3 - 1/2 क्या आ जाएगा? 2। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 2/2। अगर ये आप काट सकते हो तो डायरेक्ट आप आंसर 1 लिख दोगे। बट अगर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का बेस सेम नहीं रहता, तो हम लोग उसको कैसा कर सकते हैं? दूसरा, जैसे मान लो अगर 5/2 - 3/2, हम लोग को मान लो 3 दे दिया दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन दिया, अब हम लोग कैसे माइनस कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम दोस्तों हम लोग का क्या होता है? बेस सेम करना। तो बेस सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस 3 का दोनों में इंटू करना पड़ता है। तो कैसे करने का? 3 5 = 15। क्या करना है? 3 5 = 15 / 3 2 = 6 हो गया माइनस। अब इस 2 का इसमें 2 3 = 6 / 2 3 = 6 दोस्तों देखोगे, अब हमारा क्या हुआ? बेस सेम हो गया, तो अब ऊपर वाले को हम लोग माइनस कर देंगे, मीन 50 - 6। आप इसे लिख सकते हो, लिख दे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे? 50 में से 6 हम माइनस कर देंगे, तो आपको पता है कितना आ जाएगा? 9/6। अब इसको काट के भी लिख सकते हो दोस्तों आप, तो 3 के टेबल में कटता है 3 3 = 9, 3 2 = 6 आपका दोस्तों आंसर होगा। बट एक और बताता हूँ, बेस सेम नहीं रहा तो हम लोग बेस कैसे सेम करके उसको करेंगे। मान लो अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोग को ऐसे ही दिया है, 2/3 - 6/4 दे दिया, मान लो ऐसा दिया दोस्तों। अब इसको हम लोग कैसा कर सकते हैं? देखो, तो इस 4 का इंटू 2 में करो, कितना हो जाएगा? 4 2 = 8 - 3 का इसमें 3 6 = 18 / 3 4 = 12। डायरेक्ट दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। और अब इसके माइनस करोगे, 8 में से 18 नहीं जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा? -10/12। अब दोस्तों इसको काट दो, 2 के टेबल में कटता है 2 5 = 10 2 6 = 12। ये आपका क्या हुआ दोस्तों? देखो, मैं सब्ट्रैक्शन जो भी था फ्रैक्शन का बता दिया। एक तो अगर बेस सेम है हमारा तो कैसे करेंगे, और अगर बेस सेम नहीं है तो कैसे हम लोग करेंगे दोस्तों। और उसके बाद अगर बेस सेम नहीं है तो दो मेथड आपको बताया, क्रॉस मल्ट, इसका इंटू दोनों में करो, इसका इंटू दोनों में करो, या तो 4 का इंटू इसमें करो -3 का इंटू 6 में करो, हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का 3 का 4 में या 4 का 3 में करो, तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। तो उसके बाद करके माइनस करके कट रहे तो काट दो दोस्तों, आपका फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसको दोस्तों जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, और इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे इसी तरीके से नॉलेज वेल वीडियो दोस्तों आप तक पहुंच सके, तो इसको कर लो।